नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और केकेआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा तवा जलाशय से नहरों में पानी छोड़े जाने के बाद हरदा जिले की नहरों में पानी पहुंच गया है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। नहर में पानी मिलने से मूंग की फसल को नवजीवन प्राप्त हुआ है। किसानों ने इसके लिए कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार व्यक्त किया है। किसान रूप सिंह सावनेर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मंत्री कमल पटेल के प्रयासों से आज मूंग के लिए हमें पानी मिल रहा है, जिससे हम मूंग की फसल बो रहे हैं। वहीं किसान राहुल राजपूत और अभिषेक राजपूत ने कहा कि इस साल वैसे ही गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, इससे किसान चिंतित थे, लेकिन मूंग की फसल के लिए नहर में पानी मिलने से किसानों को राहत मिली है। इस दौरान किसान नंद किशोर राजपूत, शैलेंद्र राजपूत, ब्रजेंद्र विल्लोरे सहित अन्य किसान खेत में मौजूद थे। हरदा से राजेंद्र विल्लोरे की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? रूपसी सोनेर। जी, कहाँ के किसान हैं आप? ग्राम सुखराज। जी, आज आप मूंग की फसल की बोनी कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या पानी पर्याप्त तो मिल रहा है? अभी तो फिलहाल नहर में पर्याप्त पानी है जी, और पानी मिल भी रहा है, और इसके लिए हम हमारे माननीय विधायक, हमारे क्षेत्र के और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे को किसानों की समस्याओं को समझ कर नहरों में प्रयास करके पानी को छुड़वाया है। जी, तीसरी फसल के लिए अब मूंग की बोनी कर रहे हैं। हाँ, तीसरी फसल के लिए मूंग की बोनी कर रहे हैं, क्योंकि इस साल गेहूं का उत्पादन भी कम आया है जी, और चने का उत्पादन भी कम मिला है जी। तो किसान परेशान था कि उसकी आमदनी घट रही थी, लेकिन मंत्री जी के प्रयासों से मूंग की फसल होने से किसान अपनी समस्या से बच पाएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।